बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी, मगर एक दिन मजबूरन वो एक मुस्लिम टैक्सी में बैठ गई। यानी उस टैक्सी को चलाने वाला मुसलमान लड़का था। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रही थी, उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक टैक्सी वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। टैक्सी वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा कि टैक्सी वाला एक मुस्लिम है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने टैक्सी वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसको कह दूँ कि आप यहाँ से जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर वो लड़की एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से ज़्यादा नहीं गुजर रहे थे, ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए उसको मजबूरन उसके साथ में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। टैक्सी वाले ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा कि 300 रुपये लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वह 400 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज़ धूप और गर्मी उसे ज़्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 280 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन मेरा सामान रखना है जो बहुत भारी है, मुझ अकेली से वो उठाया नहीं जा रहा है, हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दे। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद में टैक्सी ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक पॉडकास्ट सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर सकता हूँ। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद में टैक्सी वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिसमें एक मौलाना बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में, ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है, जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम की टैक्सी में बैठी हुई है और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही है, और उस बयान में एक मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ में गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है, पर्दा एक औरत के जिस्म का प्रोटेक्शन है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढक कर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी आँखों को घुमा लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है, इसीलिए अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ऐ नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करे, उससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी
अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामिनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए मिठाई के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंद निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह घूरता है, हर एक नज़र उसको खाने और लूटने की नज़र से देखती है। औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सता ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वो ऑफिस से आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ वाहिद यही हल है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर टैक्सी रुक चुकी थी, और लड़की टैक्सी से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज़ आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माई ज़रा बड़े भैया को नीचे भेज दीजिए, मेरे साथ थोड़ा सामान भी है जिसमें वज़न ज़्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा तेरा भाई तो घर पर नहीं है। तो ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा देती हूँ, उसके बाद में ये जो पैसे मांगेगा इसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद में उस टैक्सी वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 400 रुपए निकाले और टैक्सी वाले को देने लगी। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 400 रुपए किस बात के? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं एक टैक्सी में यहाँ आई थी, उसने मेरे से 400 रुपए ही लिए थे, और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं वो भी दे देती हूँ। तो ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसे में बात हुई है उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ, और बात रही आपके सामान उठाने की तो मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, बल्कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है और हमें दूसरे लोगों से भी हमदर्दी का दर्स देता है, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए उसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। ये कहकर टैक्सी ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि लेकिन दुनिया वाले तो आपकी कौम के मानने वालों को बुरा दिखाते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है इस्लाम और मुसलमानों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको सच्चाई नहीं बताई गई, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया है। एक मौलवी आलिम और हाफिज तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। ये कहकर टैक्सी वाला जाने लगा और लड़की की आंखें भर आई और वो अपने गलत नज़रिए पर पछताने लगी और अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखना है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए, इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को
यानी बेटी जब पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दफनाया जाता था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मजदूर को मेहनताना उसका पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसीलिए याद रखे, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के इस दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं, जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। खासकर मैं ये उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। याद रखे, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नज़र नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बहुत सारे वाकियात हमारे सामने आते रहते हैं। तो ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब इंसान हैं और हम सब भारतीय हैं। इंसानों में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका धर्म उसे ये सिखाता है। अच्छे लोग ही धर्म और मजहब को मानते हैं, बुरे लोग तो सिर्फ इन चीज़ों का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं, सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कराते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगे ये वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं आपसे फिर एक किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।